मेरा नाम रंजीत देहुरी, मैं सीसी हूँ। मैं इसे मेरा गांव है काईमेटी गांव। ये जो गांव मेरे गांव के नज़दीक ये कि लोचापली गांव है, वहाँ पर जो लोग आदिवासी समुदाय का लोग हैं जो काम धंधा करके खाते हैं, उनका बहुत सारी ज़मीन है, लेकिन उन लोगों से कुछ पत्थर माफियाओं ने और कुछ धनीशाली वर्ग बाहर से आके उनसे ये ज़मीन कौड़ियों के भाव में खरीद लिया है। एक दिन में फ़ोटो खींचने के लिए सुबह कल सुबह 26/12/12 में मैं आया था इस गांव को, और 8 बजे में कर रहा था वीडियो शूटिंग। तभी उसने मेरे को मारा और यहाँ पर बोला तेरे को मैं काट दूंगा, मार दूंगा। इस तरह से मेरे साथ भी 2-4, 10 बार मेरे को मारा, मेरे मुंह और पीठी पर मारा उसी ने, और वहाँ पर लोगों को भी धमकाया कि यदि जो कोई इसके ऊपर गवाही देगा या क्या करेगा, हम लोग भी उसको मार देंगे और हम लोग तो इधर खुदाई करेंगे और तुम क्या करना है करो, इस तरह से बोला। मैंने जब 6 महीने से पहले इस तहसील के जो तहसीलदार है चंद्रशेखर महांती और जो सब कलेक्टर है प्रदीप्त साहनी और यहाँ के जो RI वीरेंद्र सिंह और यहाँ के जो पुलिस ऑफिसर IAC है, उनको भी बहुत बार फोन पर बातचीत किया, लेकिन उन लोगों ने कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली और वहाँ पर वो लोगों ने इलीगल माइनिंग को परोक्ष से सपोर्ट किया। तो मेरा ये गुजारिश है कि इसके बारे में एक उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और CBI जांच भी कराई जाए। जितना स्टोन की काम चल रहा है इस जिले में, ये सभी को जांच करके एक केस दर्ज किया जाए और ये जो मुनाफाखोरों को पकड़ा जाए और माफियाओं को पकड़ा जाए।